सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अभी तक कितना क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का? 300 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है गाइस, 300 क्वेश्चन हो चुका है, 300 क्वेश्चन आप लोगों का अभी तक हो चुका है, मतलब 10 सेट हो चुका है। ठीक है गाइस, 10 सेट हो चुका है और आज आपका सेट 11 स्टार्ट होगा, सेट 11 स्टार्ट होगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 10 सेट अभी तक हो चुका है, ठीक है, सेट 11 आपका आज स्टार्ट होगा। तो ये तो मालूम हो गया कि आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन सभी में, हर सेट में आपका टॉप 30 क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। और अभी तक 10 सेट हो चुका है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों का एक्यूरेसी कैसा हुआ, बढ़ा या घटा, कैसा हुआ, आप एक सेट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सारा आपका बताया हुआ है, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो रिसेंट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम और एलपी का एग्जाम, ये दोनों में आपका आया हुआ क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। और ग्रुप डी में भी जो आया हुआ क्वेश्चन था वो भी कराया जा रहा है, प्लस एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन जो पिछला ईयर हुआ था उसका क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, सीएचएसएल का भी क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन आपका कराया जा रहा है, ठीक है। तो 1000 क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर हाई हो जाना चाहिए। तो आप लोग अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं, अभी तक 300 क्वेश्चन हो चुका है तो आप लोगों का एक्यूरेसी बहुत चेंज हो गया होगा। और आप लोगों को मालूम भी होगा कि आप लोग इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत इंटरेस्ट लग रहा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, मजा आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना क्वेश्चन अभी तक आप कर पा रहे हैं एक सेट में, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, जो वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत पहले वर्क पावर एनर्जी में कराया हुआ था, तो क्या होगा इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि कौन सा, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच द फॉलोइंग। तो क्या होगा इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया है, दूसरा क्या दिया, फोर्स अप्लाइड, तीसरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और चौथा क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत लोगों का आंसर भी आ चुका है, क्या होगा, डी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आरंभिक वेग, क्या आरंभिक वेग पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। जब वर्क पावर एनर्जी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो क्या बताया था, वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो फोर्स यहाँ पे क्या दर्शाता है, ये क्या है, फोर्स है, ठीक है, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये थीटा क्या होता है, एफ और एस के बीच में क्या होता है, एंगल होता है। तो ये तीनों आपका ऑप्शन ए बी सी में दिया हुआ है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग यू से दर्शाते हैं। तो ये वर्क हमारा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दे पाए। मैक्सिमम क्वेश्चन ये सेट का कराया हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक वाइज कराया गया था, लेंस में कराया हुआ क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी और एसिड बेस से भी क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो जो पहले कराया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब कि सबसे हल्का रेडियो एक्टिव धातु कौन सा है, तत्व तो कौन सा है, ठीक है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर बहुत लोगों का आ रहा है, ट्रिटियम, क्या होगा इसका आंसर, ट्रिटियम, ट्रिटियम। और ये ट्रिटियम क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताए, क्या होता है ट्रिटियम, बहुत लोगों का कमेंट भी आ गया अभी तक, ट्रिटियम क्या होता है, ये आइसोटोप्स होता है, क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स होता है, किसका आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है, आइसोटोप्स होता है ट्रिटियम। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 1-3। कभी कभी क्या होता है आपका नाम नहीं देकर ये सिंबल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, सी, ट्रिटियम होगा। और ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ, यानी गैल्वेनाइज्ड लोहा को किससे कोटेड किया जाता है, ठीक है, किनसे कोटेड किया जाता है, किस किसका परत लगाया जाता है या लेप लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जिंक होगा, जिंक, क्या होगा, डी, जिंक, गैल्वेनाइज,
गैल्वनाइज्ड आयरन के ऊपर किसका लेप लगाया जाता है? जिंक का लेप लगाया जाता है। ठीक है गाइस, ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है और ये कम से कम 5 से 10 सेकंड मतलब क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये सब क्वेश्चन है। और हाँ गाइस, मैंने वादा किया था आप लोगों से कि आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो अभी आपका सेट तो चल रहा है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन अभी बन जाए आपका न्यूमेरिकल बेस, वो सभी आपको क्वेश्चन सेट के थ्रू करा दिया जाएगा। 100-200 जितना भी क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन आपको सेट के थ्रू कराया जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का, स्पेशल न्यूमेरिकल का, वो आपको कराने से पहले 2-3 क्लास पहले बता दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो उसका टेंशन मत लीजिए, वो भी आपको कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन विनीगर? तो इसका आंसर आप लोगों को मालूम है, क्या होगा कमेंट करके बताए, क्या होगा इसका आंसर? सिरिका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है इसमें जो बहुत पहले करा दिया गया है और आप लोगों को मालूम है। ठीक है, इतना क्वेश्चन कराने के बाद, थ्योरी कराने के बाद आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का कमेंट भी आ गया है, पहले ही आ गया है क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने से पहले। तो इसका आंसर बहुत लोगों का आ गया है, एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सिरिका में हमारा कौन सा एसिड आता है? एसिटिक एसिड, विनीगर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी। तो यहां पर बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट बहुत पहले ही आ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने से पहले, यानी उन लोगों का थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छा से क्लियर कर ले, और जितना भी पिछला वीडियो हुआ है जैसे एसिड बेस का, पीरियोडिक टेबल का, अगर आप लोग क्लास नहीं किए तो वहां पर सक्सेस की 98 के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एमसीक्यू का। ठीक है, टॉप 75 क्वेश्चन कराया गया था वहां पे, हर थ्योरी पे, मेटल, नॉन मेटल, और वहां क्लास भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर, जनरल साइंस प्लेलिस्ट में जाकर, सक्सेस की 98 के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जनरल साइंस पर जाइएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोग क्लास भी कर सकते हैं, सारा वीडियो अपलोड है, और पीरियोडिक टेबल का भी वीडियो अपलोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग क्लास नहीं किए वहां पर जाके क्लास कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका यूज्ड ए रॉ मटेरियल? मतलब कि कौन सा इंडस्ट्री में माइका रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है? माइका का मतलब क्या होता है? अभ्रक। अभ्रक कौन सा मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में कौन सा इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रिकल। क्या होगा? डी, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि माइका यानी आपका अभ्रक जो होता है, अभ्रक ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ क्या? करेंट, या तो इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर हीट का होता है। ठीक है, और बैड कंडक्टर किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर यानी, कंडक्टर यानी क्या होता है? चालक। ठीक है, तो हम लोग गुड कंडक्टर का हिंदी क्या होगा? सुचालक। और बैड कंडक्टर का क्या होगा? कुचालक। मतलब ये उष्मा का सुचालक होता है और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का कुचालक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है गाइस, इसके कारण ही माइका का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ गाइस, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, कमेंट में ये भी करके बताएं कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका एक्यूरेसी कैसा है? इतना 10 सेट कराने के बाद तो आपका एक्यूरेसी जरूर चेंज हो गया होगा। जैसे पहले आप 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो आपका अभी 20 से 25 हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीएच वैल्यू ऑफ अल्कालिन सॉल्यूशन। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद बता देंगे। इतना करा दिया गया है क्वेश्चन कि आप लोग खुद पहले कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, तो अल्कालिन सॉल्यूशन का क्या होगा? पीएच कितना होता है अल्कालिन सॉल्यूशन का? अल्कालिन सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो अल्कालिन का मतलब क्या होता है? हम लोग नॉर्मल क्या बोल सकते हैं इसको? बेस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बेस। ठीक है, क्षार बोल सकते हैं या भस्म। तो पीएच स्केल में क्या होता है? 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहाँ 0, यहाँ 14। तो 7 से 14 के बीच में क्या होता है? बेस होता है, और 0 से 7 के बीच में क्या होता है? एसिड होता है, और 7 पर क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है गाइस, तो ये सभी चीज़ आप लोगों को मालूम है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा, सी ग्रेटर देन 7। अगला क्वेश्चन, इन प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेटेड इज। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन पूछा गया है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पीएच के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है, इसके ऊपर ही बना गया क्वेश्चन है। तो कैसे होगा इसका आंसर मैं बताता हूं आप लोगों को, 307 का, ठीक है। तो प्योर वाटर का, प्योर वाटर, तो आपका प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, सभी को मालूम है कितना होता है, 7 होता है, ये होता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों का हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन पूछा जाए, H प्लस का कंसंट्रेशन, और हाँ एसिड बेस का जो क्लास दिया गया था वहाँ पे आपको पीएच स्केल के बारे में बताया गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जितना सारा अभी क्वेश्चन लिया जा रहा है ये सभी क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मैं पहले बहुत पहले करा दिया गया, ठीक है, मैं बहुत पहले करा दिया है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो H प्लस हाइड्रोजन एस प्लस का आयन का क्या होगा कंसंट्रेशन, तो एक ट्रिक बताया था इसके सेट का, पहले बताया था कि जितना पीएच होता है उतना क्या होता है 10 का पावर माइनस हो जाता है, तो कितना होगा 10 का पावर माइनस 7 होगा, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। जब भी कंसंट्रेशन पूछा जाए, कंसंट्रेशन का हिंदी क्या होता है, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता होता है, ठीक है। तो जब भी सांद्रता पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, 10 का पावर माइनस क्या करेंगे पीएच, यानी जितना पीएच था, तो वाटर का कितना होता है पीएच 7 होता है, तो यहाँ पे 7 बैठा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है गाइस। अगर मान लिया जाए कोई एसिड है, ठीक है, उसका पीएच दिया है 2, तो कंसेंट्रेशन कितना होगा हाइड्रोजन का, 10 का पावर माइनस 2, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, द पीएच स्केल हैड बीन गिवेन बाय, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा इसके आंसर कमेंट करके बता। ये सभी क्वेश्चन आपका क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत पहले करा दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा सोरेनसन, सी होगा सोरेनसन। पीएच स्केल निर्माण किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, ठीक है, और कब किया था ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कौन सा ईयर में किया था, ठीक है, सोरेनसन होगा सी। इसका आंसर क्या होगा, सी, पीएच इसका निर्माण किसने किया था, सोरेनसन ने, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, मोनोबेसिक है या डायबेसिक है या ट्राइबेसिक है या टेट्राबेसिक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो अभी इस सेट में कराया जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट बहुत पहले का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो थ्योरी क्लास में दिया गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को मालूम है H2SO4, ये होता है, होता है या नहीं होता है, ठीक है, कमेंट करके होता है, H2SO4 होता है। तो एसिड का क्या पूछा है, मोनोबेसिक या डायबेसिक है, बेसिसिटी पूछा है, ठीक है, एसिड का क्या होता है बेसिसिटी। तो देखो यहाँ पर इसमें कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, H प्लस 2H प्लस, ठीक है, और क्या होगा SO4 माइनस, H प्लस लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं H2 प्लस, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो रहा है, 2 हाइड्रोजन, यानी कि डायबेसिक होगा, डाय का मतलब क्या होता है सभी को मालूम है 2 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा डायबेसिक, ठीक है गाइस, इसका आंसर क्या होगा डायबेसिक, ऑप्शन क्या होगा बी होगा इसका आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन अगर मान लिया जाए HCl दिया है आप लोगों को, ठीक है, तो HCl में क्या होगा, कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, तो क्या होगा मोनोबेसिक। तो ये सभी आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये सभी आपका क्या है कॉन्सेप्ट है, जो एसिड बेस में बहुत पहले करा दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा डायबेसिक। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, तो मिल्क का पीएच मान कितना होता है, ये भी बहुत पहले कराया था पीएच स्केल में, ठीक है, वो क्लास में आपका पीएच मान लिया गया था, वो क्लास में आपका 15 से 20 पीएच मान बताया गया था, तो मिल्क का भी बताया गया था वहां पे, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्या होगा पीएच का मान, सी 6.6, मिल्क का पीएच कितना होता है 6.6, मिल्क का पीएच कितना होता है 6.6 होता है, ठीक है। और एक बात और बताया था, क्या बताया था, कि जो पीएच मान होता है वो हमेशा फिक्स नहीं होता है, ठीक है, आसपास के रेंज में होता है, तो यहाँ पे आपका 6.6, मिल्क का पीएच कितना होता है 6 से 7 के बीच में होता है, 6.5 से लेकर 7 के बीच में होता है, तो 6.6 इसके बीच लाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 6.6, ऑप्शन क्या होगा सी, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट बेस विथ,
अगर क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या है क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या पूछ रहा है, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, तो एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्ट। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है गाइस, अच्छा कमेंट करके बताएं इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, तो एग्जाम में आपका यह भी आ सकता है कि ये रिएक्शन आपको दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, और हिंदी में उदासीनीकरण। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन, तो क्या होगा इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका पिछला सेट में कराया गया था, ठीक है, एक सेट में आपका ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, किसके बराबर रहता है, तो प्रोटॉन के बराबर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है गाइस, प्रोटॉन होगा, इसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, आपका जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसी तरह से पॉजिट्रॉन मेसॉन न्यूट्रिनो ये सब भी आपका क्या होता है, होता है। ठीक है, तो अभी केवल तो आपका सिलेबस में क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन मेसॉन के बारे में एक एक क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, तो वो सभी क्वेश्चन करा दिया गया, मेसॉन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया था तो वो भी करा दिया गया। ठीक है, पिछला सेट में वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 25 डिग्री टेम्परेचर पर पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है, सभी को मालूम है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, रूम टेम्परेचर, यानी ये रूम का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, जब इसे 100 डिग्री तक गर्म किया जाए तो इसका पीएच क्या होगा, तो इसको आप लोग याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, तो वाटर का हमारा क्या होता है, पीएच मान कितना होता है, पीएच मान 7 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, होता है या नहीं होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, पीएच का मान 7 होता है। अगर हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो पीएच का मान क्या होता है, घट जाता है, मतलब 6.7 के आसपास आता है। ठीक है, 6.12 ये सब, मतलब 6.5 के आसपास आप लोग समझ सकते हैं, 6.5 कम हो जाता है। ठीक है, कुछ कम हो सकता है, 6. कभी 6 रहता है, कभी 6.7 रहता है, मतलब कि 7 से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, डिक्रीज। ठीक है, यानी घट जाता है। अगला क्वेश्चन, लेकिन हाँ गाइस, ये काम कैसा करता है, न्यूट्रल ही रहता है, ये उदासीन ही रहता है। ठीक है, ये उदासीन रहता है, इसका पीएच घट गया तो क्या हुआ, लेकिन ये रहता कैसा है, उदासीन रहता है। ठीक है, 7 के आसपास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दूसरा नाम से हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 क्लास में आपका केमिस्ट्री में एक चैप्टर था एसिड बेस, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, H2SO4 HNO3 और HCl के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़े हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो क्या होगा इसका आंसर, HCl को हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड। ठीक है गाइस, म्यूरेटिक एसिड। इसका आंसर क्या होगा, सी। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया गया है, मैक्सिमम का क्वेश्चन सभी ने दे दिया है, एक दो होंगे जो नहीं दे पाए हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे दे रहे हैं, यानी उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताए। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत इजी है और सभी का आंसर फिलहाल आ चुका है, प्यूरेस्ट फॉर्म क्या होता है, जल सबसे शुद्ध फॉर्म में कौन सा होता है, रेन वाटर, क्या होता है, ए, रेन वाटर, रेन वाटर, यानी वर्षा की जो पानी होती है वो क्या होता है, सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश की किरण जब डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो क्या होती है, तो ये तो क्या आपका रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये क्या है, रेयर मीडियम है, तो जब डेंसर से रेयर में लाइट
गुजरती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है, ठीक है। क्योंकि डेंसर का मतलब क्या होता है, ज्यादा घनत्व है, ज्यादा उसमें क्या है, ज्यादा गढ़ा है, हम लोग समझ सकते हैं ज्यादा इसमें डेंसिटी है। तो जब डेंसर से एयर आएगा तो क्या होगा, आपका लाइट क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अभिलंब से दूर चला गया तो वही पूछा जा रहा है। तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, एक होता है अवे, एक होता है अवे, और क्या होता है, एक टूवर्ड्स, मतलब टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल के तरफ, और अवे का मतलब क्या होता है, दूर। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, दूर हो गया, नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है, बेंड्स अवे। सब सारा खेला यहीं पर है, अवे टूवर्ड्स में, ठीक है। तो ऑप्शन को सही से देखना है, बेंड्स अवे यानी दूर हो गया फ्रॉम नॉर्मल, हम लोग टूवर्ड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर इसका उल्टा कंडीशन रहता, रेयर से डेंसर में जाता, तब इसका क्या होता है आंसर, बेंड्स टूवर्ड्स जाता। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके ऊपर काम करता है, तो द प्लेन मिरर ओनली, उसके बाद ऑप्शन क्या दिया गया है, द कॉन्केव मिरर ओनली, द कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ये तीनों में काम करता है, यानी क्या होगा, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डी होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका आंसर कैसा होगा, डी। ऐसा क्यों होगा, परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसका नाम में ही क्या डिफिनेशन है कि लाइट को क्या होना चाहिए, परावर्तित होना चाहिए, यानी आपतित होने के बाद क्या होना चाहिए, परावर्तित होना चाहिए, यानी टकराना, टकराने के बाद क्या होना चाहिए, परावर्तित होना चाहिए। तो ये कैसा सरफेस होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है या माइनस होता है या पॉजिटिव होता है या इन्फिनिटी होता है, तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, जीरो होता है, पावर तो जीरो होता है, जो नॉर्मल सभी जगह लगा रहता है, पावर कितना होता है, जीरो होता है। तो फोर्स, फोकल लेंथ कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। एक चीज बताया था आप लोगों को लेंस में कि पावर जो होता है 1/f होता है, यानी फोकल लेंथ के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। अगर पावर जीरो है तो फोकल लेंथ कितना है, इन्फिनिटी है। अगर फोकल लेंथ जीरो है तो पावर कितना है, इन्फिनिटी है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, डी, इसका आंसर क्या होगा, डी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड अपॉन, यानी जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, द नेचर ऑफ सरफेस, द स्मूथनेस ऑफ सरफेस, ये क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 319 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दिस, सभी पे क्या होता है, निर्भर करता है, ठीक है। अगर हमारा सरफेस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, 320 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए नंबर ऑफ इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम आर सीन इन थिक मिरर, अगर थिक मिरर में ए नंबर ऑफ इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम आर इन सीन इन थिक मिरर, तो क्या होगा इसका आंसर, द सेकेंड इमेज इज हाइएस्ट ब्राइटनेस, ऑप्शन क्या होगा, बी, द सेकेंड इमेज, सेकेंड इमेज क्या होगा, ब्राइटनेस होगा, ठीक है, पहला नहीं होगा लेकिन क्या होगा, सेकेंड इमेज क्या होगा, ब्राइटनेस होगा, अगर थिक मिरर में देखा जाए तो, थिक मिरर में देखा जाए तो, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और हाँ गाइस, लेंस मिरर में आपको एक चीज नहीं बताया गया था, तो आप लोग यहां पर नोट कर सकते हो उसको, कि अगर दो मिरर को एक एंगल में रखा जा रहा है तो हमारा वस्तु का इमेज कितना बनेगा, एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 360 / θ - 1, ये आपका होता है नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, ये ठीक है, नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, 360 / θ - 1, यानी
कि अगर दो मिरर को 90 डिग्री पर रखा जाए, दो मिरर को ऐसे रखा जाए दो मिरर को, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 360 बटा 90 कितना, 4 - 1 = 3, यानी कितना इमेज बनेगा, 3 इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए दो मिरर है, इसको ऐसा रखा जा रहा है 60 डिग्री पर। अब पूछ दिया जाएगा कि एक वस्तु है, उसका इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो ये फॉर्मूला में बैठाएंगे नंबर ऑफ इमेज, तो 360 बट्टा 60 - 1 कितना आएगा, 6 - 1 = 5, मतलब कितना होगा नंबर ऑफ इमेज, 5 होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपका एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, तो इसको नोट कर ले। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम 4, यानी अगर ग्लास से वाटर की तरफ लाइट पास किया जाए तो सबसे मिनिमम कौन सा होगा। तो सभी को मालूम है सबसे ज़्यादा जो सबसे कम डेविएट होगा वही क्या होगा, सबसे मिनिमम हो तो क्या, वॉयलेट कलर, क्या होगा, वॉयलेट कलर। मिनिमम कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, VIP 0, तो सबसे नीचे कौन रहता है, वॉयलेट कलर रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेंड यही हो जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेविएट यही होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, वॉयलेट कलर होगा। और सबसे कम डेविएट कौन होता है, रेड कलर, तो इसका आंसर क्या होगा, वॉयलेट कलर। 321 का क्या होगा, डी। ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, ठीक है, और 5 से 10 सेकेंड के अंदर इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन ए रे लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, यानी ग्लास स्लैब के अंदर एक लाइट पास होती है तो क्या होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर ये मान लिया जाए ग्लास स्लैब है, स्लैब ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये क्या आपका एयर है, ये भी तो एयर है, ये क्या है, ग्लास है। तो एयर से अगर ग्लास में लाइट इंटर करती है तो क्या होता है, तो ऑप्शन हम लोग को बताना है, क्या होगा इसका आंसर, इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, इट्स वेवलेंथ इंक्रीज, इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड नाइदर वेवलेंथ और नॉर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। द वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज। एयर में क्या होता है, लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ग्लास में क्या होता है, कम हो जाता है। तो भी बराबर क्या होता है, एन लेमडा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया जाएगा जब न्यूमेरिकल कराया जाए, तो वहां पे जब न्यूमेरिकल बताया जाएगा गाइस, तो वहां पे आपको ये बता दिया जाएगा क्या होता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये क्या है, वेवलेंथ है। जब वेलोसिटी घटता है तो क्या होता है, वेवलेंथ भी क्या होता है, घटता है, तो वेवलेंथ हमारा क्या होगा, घट जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए, डिक्रीज वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। अब समझ में आ गया होगा तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ हमारा कैसा होता है, इन दोनों दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा वही होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो कौन सा चीज अपरिवर्तित रहता है, यानी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में क्या हो रहा है, लाइट पास हो रहा है। अगर कंडीशन क्या हो सकता है, रेयर से मीडियम भी जा, रेयर से डेंसर भी जा सकता है और डेंसर से रेयर भी जा सकता है, कंडीशन हमारा दोनों हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा क्वांटिटी होगा जो कॉन्स्टेंट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है, ये तो मालूम हो गया है इस क्वेश्चन से। वेवलेंथ भी क्या होता है, चेंज होता है, चेंज क्या नहीं होता, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होगा, डज नॉट चेंज। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आवृत्ति। ऑप्शन क्या दिया है, सी होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, 324 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए वेल कट डायमंड अपीयर्स ब्राइट बिकॉज, तो डायमंड को अगर अच्छी तरह से तराशा जाए तो वो क्या होता है, बहुत ब्राइटनेस आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ऑफ
यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, टोटल रिफ्लेक्शन, यानी वही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन, मिराज इज ऑब्जर्व इन डिजर्ट ड्यू टू फेनोमेना ऑफ, यानी मिराज, मिराज क्या होता है जो डिजर्ट में दिखाई देता है, बनता है, तो मिराज किसके कारण बनता है, इसी कारण बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और मिराज क्या होता है, बहुत लोगों का ऐसा कंफ्यूजन है, जैसे रेत रेगिस्तान में अगर बहुत दिनों से या बहुत घंटों से चल रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे सामने दूर में या क्या होता है, नदी दिखाई देता है या तालाब दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, एक्चुअल में तालाब होता नहीं है। ठीक है, पानी का किसी जगह एक रेत में, एक रेगिस्तान में क्या होता है, कहीं पानी नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या होता है, ऐसा आभास होता है कि वहां पर क्या है, पानी है, क्योंकि उसको प्यास लगता है। तो ये हमारा क्या होता है, इमेजिन होता है, आभास लगता है। तो इसी टाइप का आपको क्या होता है, मिराज का ये क्या है कि एग्जांपल है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन एनी ऑयली फ्लोर बिकॉज, तो ये तो सभी को मालूम है क्या होता है, 326 नंबर क्वेश्चन, अगर ऑयली सरफेस रहेगा, ऑयली सरफेस है, ठीक है, अगर हमारा ऑयली सरफेस है, यानी बहुत क्या स्मूथ है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मूथ बोल सकते हैं, ऑयली है तो क्या स्मूथ है, अगर चिकना सरफेस है तो क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया है, फर्श खराब हो जाता है, देर इज मोर रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी, 326 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। ठीक है गाइस, फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे, फ्रिक्शन को हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या समझ सकते हैं, खुरदरापन, खुरदरा, ठीक है, खुरदरा, रफनेस, रफनेस, अगर किसी चीज में रफनेस है तो वो क्या है, फ्रिक्शन है, अगर कोई स्मूथ है तो क्या है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, मतलब बहुत कम है। ठीक है गाइस, ऐसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, तो कंपेयरिंग करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है या ज्यादा होता है, ये हम लोग को ऑप्शन के अनुसार चेक करना पड़ेगा। तो लेस देन कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे आपका ग्रेटर तो नहीं दिया गया है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को मैच कराना पड़ेगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल, तो टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है गाइज, टेन थीटा, हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो टेन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, टेन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, म्यू होता है, म्यू, म्यू यानी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर एंगल 30 डिग्री दिया गया है तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो 10/30 कितना होता है, 1/√3, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, 1/√3, उसका मान निकालेंगे हम लोग और आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, ए मैच माचिस बॉक्स की तीलू को माचिस के डब्बे पर अगर रगड़ा जाए तो आग निकलता है, इसका रीजन क्या है, कमेंट करके बताएं, ऑप्शन देखकर। ठीक है, यहां पे आपको ऑप्शन जरूर देखना है। तो क्या होगा, मैच बॉक्स में अगर माचिस की तीली, मैच बॉक्स में अगर माचिस की तीलू को रगड़ा जाए तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, माचिस की तीली रफनेस के कारण क्या होता है, आग लग जाता है, यानी क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, कभी प्रैक्टिकली भी आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे जो मसाला रहता है वो क्या होता है, हाथ से अनुभव होगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो क्या होता है, रफनेस होता है, स्मूथ नहीं होता, रफनेस होता है, तो यानी रफनेस है, यानी फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ए होगा, फ्रिक्शन एनी कॉज, फ्रिक्शन में बी कॉज, ठीक है, ऑफ फायर, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन,
टायर्स आर ट्रीटेड, यानी टायर्स, टायर्स कैसा बनाया जाता है, टू लुक गुड, इससे कोई मतलब ही नहीं। ये तो हमारा क्या है, ये अच्छा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये तो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है, ऐसा क्यों, अगर रोड में अगर कोई गाड़ी मूव कर रहा है तो क्या होगा, टायर क्या होता है, टायर में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है, फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है, क्योंकि आप लोग नॉर्मली इसके प्रैक्टिकली भी देखा जाता है, अगर कोई सरफेस स्मूथ है, ये अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो उसमें कोई व्यक्ति अगर मूव कर रहा है तो वो गिर भी सकता है, ठीक है, अगर स्मूथ के कारण, तो यहाँ पे तो व्यक्ति छोड़ो, यहाँ पे किसी गाड़ी को मूव कराना है, ठीक है, तो अगर कोई मान लिया जाए कोई गाड़ी है, ठीक है, उसको मूव कराना है तो स्मूथ सरफेस रहेगा, बारिश के समय ज़्यादा रोड क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो वहाँ पे स्लिप भी कर सकता है, गिर भी सकता है, ठीक है, स्लिप कर सकता है, तो इस स्लिपनेस को बचाने के लिए क्या किया जाता है, टायर को फ्रिक्शन बनाया जाता है, ज़्यादा फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन किया जाता है, ठीक है, मोर फ्रिक्शन किया जाता है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है, ये सभी जो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर ये सब क्वेश्चन बना है। तो फिजिक्स आपका क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री डेली लाइफ से जो रिलेटेड थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है गाइज। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स आर सब्सटेंस, ल्यूब्रिकेंट्स का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है या घटाने के लिए किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताए क्या होगा इसका आंसर। बहुत लोगों का कमेंट भी आ गया है रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, इसका आंसर क्या होगा, सी, रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, कमा देता है, ठीक है, कम कर देता है, कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। और हाँ गाइस, आज का क्लास आपका यही खत्म होता है और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा।